अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 की कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। टेन इनवर्स 1/11 प्लस टेन इनवर्स 5/6 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2। अगेन देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ फार्मूला लग रहा है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। तो फार्मूला लगाएंगे दोनों तरफ पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, इधर भी टेन इनवर्स ए और प्लस बी, और इधर भी टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, यानी टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 - ab के फार्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए की जगह आ गया 1/11 प्लस बी की जगह आ गया 5/6, फिर साइन ऑफ डिवीजन 1 - a × b, यानी 1/11 और 5/6 का प्रोडक्ट आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे ए की जगह आ गया 1/3, बी की जगह आ गया 1/2, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाय 1 - ab, यानी 1/3 और 1/2 का प्रोडक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/11 प्लस 5/6 करेंगे तो आ जाएगा 61/61 साइन ऑफ डिवीजन, फिर ये देखें 1 - 5 × 5 और 11/6 = 66, यानी 1 - 5/66। राइट हैंड साइड पे आ गया 1/3 प्लस 1/2 के तो 5/6 और 1 - 1/6 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो टेन इनवर्स 61/66 डिवाइडेड बाय 66 - 5 करेंगे 61/66 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे 5/6 और फिर ये 6 - 1, यानी 5/6। अब साइन ऑफ डिवीजन को ख़त्म करके साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाएं और ये देखें 61 से और 66 से कैंसिल हो गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे 5/6 और 6/5 ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो दोनों साइड पे आ गया टेन इनवर्स 1, और जो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है वो होती है 5/4, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा टेन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 5/4, तो दोनों साइड इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा कि टू टाइम्स टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 5/4। अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और यहाँ पे 2 टेन ए वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें, यूजिंग फार्मूला 2 टेन इनवर्स ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू 2a/(1 - a²), और अब ए की जगह आ जाएगा 1/3, और ये जो टेन इनवर्स 1/7 है इसको हम साथ साथ लेके कैरी करते जाएंगे। सो 2 × a की जगह आ गया 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 का होल स्केयर प्लस टेन इनवर्स 1/7 साथ साथ कैरी होगा। ये देखें 2 × 1/3 के तो टेन इनवर्स 2/3 आ गया डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 का स्क्वायर लिया तो 1/9, और टेन इनवर्स 1/7 साथ साथ कैरी हो रहा है। अब ये देखें 2/3 डिवाइडेड बाय 9 - 1 करेंगे तो 8/9 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी टेन इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/8। अब यहाँ से कटिंग कर दें, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, और टेन इनवर्स 1/7 साथ साथ चल रहा है। अभी हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ गया टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब अगेन इस पर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा देते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और आंसर हमारा 5/4 में आ जाएगा। अब ये देखें, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7 फार्मूला अप्लाई करें, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर ए 1 - ab। अब ए की जगह 3/4 और बी की जगह 1/7 आ जाएगा। तो ये देखें, टेन इनवर्स ए की जगह आ गया 3/4 प्लस 1/7, यानी बी की जगह आ गया, डिवाइडेड बाय 1 - product of 3/4 और 1/7 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 7 × 3 = 21 और 4 × 1 = 4, यानी 25/28, और इधर आ गया 3 × 1 = 3 और 4 × 7 = 28, यानी 1 - 3/28। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25/28 एज इट इज़ आ गया, और ये देखें 28 - 3 करेंगे तो 25/28। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो देखें 28 से कैंसिल हो गया 25 से, तो टेन इनवर्स आ गया, तो टेन इनवर्स 1 आ गया। अगेन टेन इनवर्स की वैल्यू 5/4 होती है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपके सामने, कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 - x². अभी देखें, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे हमने पहले सवाल किए थे,
यानी 13.1 में भी किए थे। तो साइन इनवर्स x को हम लेट कर लेंगे थीटा या अल्फा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें, कॉज लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कॉज इंटू साइन इनवर्स x, अब लेट कर लें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सो साइन थीटा इज इक्वल टू x। अब हम यहाँ पे इसको वैल्यू को प्लेस कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो नाउ कॉज इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू हमने थीटा लेट की थी। अब हमें पता है कि कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है एक्स, इसको रिप्लेस कर दें, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो आप लोगों से एंड पे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। अभी हमारे पास टाइम हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी देख सकते हैं। तो वापस दोबारा स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान था, अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी वीडियो में मार्जिन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही है, शो दैट साइन इंटू टू कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगेन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें साइन इंटू टू कॉज इनवर्स एक्स, अब कॉज इनवर्स एक्स को हम लेट कर लेंगे थीटा, तो यहाँ से कॉज थीटा की वैल्यू आ गई एक्स। अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दें, सो साइन थीटा, क्योंकि कॉज थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो साइन थीटा होता है 1 माइनस कॉज स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट। अब यहाँ पर कॉज थीटा की वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, दोबारा लिखें साइन इंटू टू कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये साइन टू थीटा हो गया, क्योंकि ये साइन आ गया, ये टू वैसे ही आ गया, और कॉज इनवर्स की वैल्यू थी थीटा, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉज थीटा। अब हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली भी है और कॉज थीटा की, कॉज थीटा हमारे पास है एक्स, और साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, सो टू इंटू साइन थीटा की जगह आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट कॉस थीटा की जगह एक्स। अब इसको सीधा करके लिख लें, यानी टू और एक्स, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे देखें टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बनाना था, सो टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट कॉज इंटू टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉज इंटू टू साइन इनवर्स एक्स, अब लेट कर लें साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, यानी 1 माइनस साइन थीटा की जगह आ गया एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब दोबारा लिखें लेफ्ट हैंड साइड को, सो कॉज इंटू टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस टू थीटा, क्योंकि ये कॉज आ गया ये टू, और साइन इनवर्स एक्स की जगह आ गया थीटा। अब कॉस टू टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं, यानी साइन थीटा हमारा एक्स था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 किए, और मैंने पूरी कोशिश की कि उसको आसान तरीन तरीके से आपको कराऊं। तो एंड पे गुजारिश करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें, और जो लोग कोई कमेंट देना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।